तो हमने पिछले दो टॉपिक कवर किया। पहला हमने कवर किया क्या बोलते हैं एडवांस फिल्टर, दूसरा कवर किया हमने टेक्स्ट टू कॉलन। हम तीसरे बारी आती है, वो आती है रिमूव डुप्लीकेट। अब रिमूव डुप्लीकेट के बारे में भी एक बार जान लीजिए। जैसे कि अगर आपके पास एक कॉलन में कई सारे नंबर्स लिखे हैं और कई सारे नंबर्स इन द डुप्लीकेट फॉर्म है, मतलब कि कई बार रिपीटेड हैं, आपको उसमें से सिर्फ यूनिक नंबर को लेना है, रिपीटेड नंबर को नहीं लेना है। तो पहला है कि अगर आप सिर्फ डेटा लेना चाहते हैं, आप डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, समझ गए, तो आप सिर्फ डेटा लेना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कीजिए। और सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन में, सॉरी डेटा में माफ कीजिएगा, वैलिडेशन नहीं, डेटा मेन्यू बार में एडवांस फिल्टर में ही हम यहाँ यूनिक रिकॉर्ड ओनली को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यूनिक रिकॉर्ड ओनली को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड ओके करते हैं, तो हमारा सिर्फ यूनिक नंबर फिल्टर होके आ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसको कॉपी करके अब जहां रखना है वहां पे रख दीजिए। राइट सर, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, इसमें से डुप्लीकेट हट जाए, मतलब कि डुप्लीकेट जो है वो यहां रहे ही ना, सिर्फ यूनिक नंबर है, समझ गए सर। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और डेटा वैलिडेशन में यहाँ पे देखिए क्या होता है, रिमूव डुप्लीकेट। अब इस रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा और यहाँ सेल्स को सिलेक्ट करूंगा। ऊपर देखिए माय डेटा हैज ए हीडर, क्योंकि हीडर है, हीडर आइडेंटिफाई कर लिया एंड ओके कर दिया। तो इसने 21 डुप्लीकेट फाउंड किया और 44 यूनिक फाउंड किया। तो 21 को इसने डिलीट कर दिया और 44 को इसने रख लिया। ठीक है सर, विक्की जी, रक्षित जी एंड अभिनायक जी, समझ में आया। जी सर, जी सर। तो आज हमने पढ़ा एडवांस फिल्टर, हमने पढ़ा टेक्स्ट टू कॉलन एंड रिमूव डुप्लीकेट। राइट सर।